अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट अहमद हसन एंड यू आर वाचिंग डेली प्राइस आइडिया यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में गेमिंग पीसी बिल्ड किया है जो कि मैं ऑर्डर आया था फसी अतर भाई की तरफ से। इनका तल्लुक लाहौर से है, तो लाहौर से इन्होंने हमसे रब्ता किया। फसी अतर भाई इनका नाम है, और एक पीसी बिल्ड करने के लिए हमने जो कि i7 फोर्थ जनरेशन के साथ है। आपको बताते हैं इसके अंदर कितनी हार्ड है, कितनी रैम है, कौन सा ग्राफिक कार्ड यूज़ हुआ है, और ये किस पर्पज़ के लिए उन्होंने बनवाया, और ये कितने तक का पूरा पीसी बन गया है, और आपको ये कितने तक का मिल सकता है। इस पीसी के अंदर हमने डिफरेंट स्पेक्स यूज़ किए हैं, और साथ साथ आप हमारी वेबसाइट भी देख सकते हैं justbuy.pk। इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा हमने जो सी हैं प्रोडक्ट्स लगाई हैं जो आप ले सकते हैं यहाँ से ऑर्डर करके। ये भी हमारी वेबसाइट ही है, जो चीज़ यहाँ से पसंद आए तो justbuy.pk सर्च करें, वहाँ जाकर आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं। तो चलते हैं स्पेक्स की तरफ और आपको बताते हैं क्या क्या स्पेक्स हमने इस पीसी के अंदर यूज़ किए हैं। और सबसे पहले बात करते हैं इसके अंदर जो सा प्रोसेसर यूज़ किया हमने, वो है i7 फोर्थ जनरेशन। 4770 हो, 4790 हो, कोई भी अवेलेबल हो हम दे देते हैं, सेम प्राइस है, सेम स्पेक है और सेम परफॉर्मेंस होती है। i7 फोर्थ जनरेशन का प्रोसेसर हमने इसके अंदर यूज़ किया है। उसके बाद जो मदरबोर्ड इसके अंदर हमने यूज़ किया है, बात करते हैं उसके अंदर, वो है H81 मदरबोर्ड। 2 रैम स्लॉट वाला मदरबोर्ड है, 4 रैम सेट लग सकती हैं, एसूस में है, जो भी ब्रांड आपको चाहिए मिल जाएगा। मिनी बोर्ड होता है H81, 8 GB तक का कार्ड आप इसके अंदर लगा सकते हैं बआसानी, कोई भी 8 GB का कार्ड हो, और हमने 8 GB इसके अंदर लगाया हुआ है। उसके बाद इसके अंदर जो हमने SSD यूज़ किया है, वो है 1 TB 8 GB SSD, न्यू बॉक्स पैक, 1 ईयर वारंटी के साथ हम देते हैं जी 1 TB 8 GB SSD। 500 GB की हार्ड हमने इसके अंदर यूज़ किया है FC भाई के लिए। और रैम की बात करें तो 8 GB रैम है, जो कि 1600 MHz वाली रैम है, सिंगल सिक हमने यूज़ की है। 4 4 GB वाली चाहें वो भी मिल सकती हैं, और 8 GB सिंगल भी आपको मिल सकती है। 500 वाट की पावर सप्लाई यूज़ किया, जो कि 80+ ब्रोंज में है, 10x10 कंडीशन है, सील्ड है, और 6 पिन और 8 पिन कनेक्टर साथ में, कनेक्टर इसके साथ लगे हुए हैं। 500 वाट की पावर सप्लाई अच्छी कंडीशन में है, और 10x10 कंडीशन है, किसी किस्म का कोई मसला आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद इसके अंदर जो केस हमने यूज़ किया है, देख सकते हैं डिसेंट सी लुक है, नॉर्मल केस आप इसे कह सकते हैं, लेकिन है 10x10 स्क्रैचलेस है, लिटिल बिट यूज़ हुआ है ये वाला, और इसकी लुक भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और गेमिंग केस जो नहीं लेना चाहते, अफोर्ड नहीं करते, तो वो ये नॉर्मल केस ले सकते हैं। आखिर में बात करते हैं इसके अंदर जो हमने ग्राफिक कार्ड यूज़ किया है, वो है RX 590, 8 GB 256 बिट का कार्ड है। मैंने कल ही वीडियो लगाई थी, तो आज माशाल्लाह ऑर्डर आ गया, 2 कार्ड्स पड़े थे, दोनों सेल आउट हो गए हैं। फैट बॉय में था, डुअल फैन में था, XFX में DDR5 256 बिट का कार्ड है, विद 6 पिन एंड 8 पिन दोनों कनेक्टर आते हैं, डबल फैन है, और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देता है। परफॉर्मेंस की बात में करते हैं, सबसे पहले मैं प्राइजेस वन बाय वन आपको बता दूँगा क्या क्या प्राइस हमने कोड किए हैं। थोड़ी सी प्राइस इंक्रीज़ हुई, लेकिन हमने वही पुरानी प्राइस में आपको सब कुछ दिया है। तो इसके अंदर जो हमने प्रोसेसर यूज़ किया है, i7 फोर्थ जनरेशन का, 4770 या 90 जो भी मैं चाहूँ आप चाहें ले सकते हैं। तो ये 14,000 रुपये का हमने इसके अंदर प्रोसेसर ऐड किया है, 13,500 1400 इसकी जो सी होल सेल प्राइस है, तो इसी प्राइस में हमने ये प्रोसेसर ऐड किया है। उसके बाद H81 मदरबोर्ड, जो कि 2 RAM स्लॉट वाला है, ये हमने इसके अंदर ऐड किया है 6,000 रुपीज़ का, 6,000 में हमने ये वाला मदरबोर्ड ऐड किया है। 1 TB 8 GB SSD आपको पता है कि कितने की आ रही है, 3,000 रुपये की, तो वो 3,000 की ऐड की है। उसके बाद 500 GB के जो सी हार्ड हमने इसके अंदर यूज़ किया, वो है 7200 RPM वाली 10x10 WDC के टची सैमसंग, जो भी ब्रांड आप चाहें आपको मिल सकता है। तो 500 GB की हार्ड जो हमने इसके अंदर यूज़ की है, 100% हेल के साथ, वो हमने इसके अंदर यूज़ की है, 2000 रुपये की 500 GB हार्ड यूज़ की है। फिर बात करते हैं जी 8 GB रैम की, जो कि 1600 MHz वाली सिंगल स्टिक लेने, डुअल लेने, वो हमने 3500 की इसके अंदर ऐड की है, 3500 रुपये की हमने इसके अंदर रैम यूज़ की है। और सप्लाई की बात करें, 500 वाट की सप्लाई जो 10x10 कंडीशन में अगर आपको चाहिए, तो वो हमने इसके अंदर 5000 की ऐड की है, बिल्कुल ओके है, और पूरे सिस्टम का दारोमदार पावर सप्लाई भी होता है, ताकि कोई शॉर्टेज वगैरह का मसला ना आए, इस वजह से हम सप्लाई इसके अंदर अच्छी यूज़ करते हैं। लोकल ब्रांड आपको 3000 3500 2500 तक भी मिल सकते हैं, जो कि चाइना मेड होते हैं। नॉर्मल केस जो कि देख सकते हैं अच्छी लुक में है, ज़्यादा जो सा आप कह सकते हैं गेमिंग भी नहीं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी डिसेंट लुक दे रही है, हमने इसके अंदर 2000 रुपये का ऐड किया है। और लास्ट में इसके अंदर हमने जो सा कार्ड यूज़ किया है, RX 590, 8 GB DDR5 256 बिट, जो कि बेस्ट फॉर गेमिंग, एडिटिंग, रेंडरिंग, एवरी पर्पज़, बड़ा हॉट कार्ड है। तो ये हमने इसके अंदर फैट बॉय में ऐड किया है, 30,000 रुपये का, 2 पीस से दोनों सेल आउट हो गए। दूसरी बिल्ड की वीडियो भी बनाऊँगा मैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह इसका टोटल बजट तकरीबन 66 से 67,000 बन रहा है, वो भी डिस्काउंट करके। लेकिन ये है कि आपको मज़ीद डिस्काउंट करके हम ये 65,500 रुपये की बिल दे रहे हैं जी फसी भाई को। हमने पहले गेमिंग केस ऐड किया था, लेकिन भाई कह रहे थे गेमिंग केस आप रहने दें, मैं जो सा अपना कार्ड अपग्रेड करवाना चाहता हूँ। तो उन्होंने 590 लगवाया, और i5 4 से i7 4 में इन्होंने अपग्रेड किया है, कि परफॉर्मेंस पे कंप्रोमाइज़ कोई नहीं किया, और ताकि जो सा बॉटल नेक इशू भी बहुत कम देखने को मिलेगा इसके साथ, अगर i5 4 होता तो ज़्यादा इशू आना था। तो खैर, ये मामला जो से इसके साथ पूरा बजट भाई का बन गया, फसी भाई का, जो कि लाहौर से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने हमसे ये पीसी भाई किया, 65,500 रुपये पूरा बजट बन गया है।
इस पे गेमिंग की बात करें तो आप अगर GTA 5 पबजी वगैरह खेलना चाहते हैं तो बासानी आपकी हाई टू अल्ट्रा सेटिंग पे ये गेमिंग कर देगा। 1080p पे 70+ आपको FPS देगा ये गेम के ऊपर। और अगर आप 720 पे जाते हैं तो आपका जो सा ये 90+ 100+ FPS आपको देगा। और इससे कम सेटिंग पे जाते हैं तो 150-180+ FPS आपको ये लो सेटिंग पे ग्राफिक कार्ड देगा। बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है इसकी। गेमिंग के लिए एडिटिंग करनी है एडिटिंग कर सकते हैं। भाई ने वैसे बेसिक ये गेमिंग के लिए बनवाया, हमारे काफ़ी पुराने सब्सक्राइबर हैं और इन्होंने इस वजह से हमसे बाय किया। अगर आप भी कोई चीज़ हमसे बाय करना चाहते हैं तो दो ऑप्शन है, आप डायरेक्ट हमसे रब्ता कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन में डिस्क्रिप्शन में चल रहा है, कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है। दूसरा ऑप्शन ये कि कोई इसके अलावा गेमिंग के रिलेटेड अगर गेमिंग पीसी ग्राफिक कार्ड के अलावा कोई चीज़ बाय करना चाहते हैं, गेमिंग केस हो गए एक्सेसरी वगैरह, तो justbuy.pk जो सी वेबसाइट है यहाँ आप विजिट करें तो यहाँ से आपको ये मिल जाएगी। ठीक हो गया जी, ये justbuy.pk से आप कोई चीज़ बाय कर सकते हैं। तो डिलीवरी का तरीका कर ये कि कुछ पैसे एडवांस देने, भाई का 5K मुझे एडवांस आएगा, जो रिमेनिंग अमाउंट है वो कैश ऑन डिलीवरी पे हमने देनी है, यानी कि 60,500 जो इनका है वो बाकी कैश ऑन डिलीवरी पे इनको मिलेगा। तो ये सारे मामलात होते हैं। अगर कोई चीज़ आप बाय करना चाहते हैं, कोई लेना चाहते हैं तो आप रब्ता कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान के किसी भी कोने में मौजूद हैं आप, सारे कोनों में डिलीवरी अवेलेबल है और 1 मंथ की वारंटी है, 7 डेज रिप्लेसमेंट। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।